बाड़मेर डीएसटी व थाना गुड़ामलानी पुलिस की टीम ने पंजाब से तस्करी कर लाई गई 75 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक कंटेनर पिकअप तथा शराब के 557 कार्टून जब्त कर एक आरोपी ओम प्रकाश बिश्नोई पुत्र रामलाल निवासी आनंद नगर जूना खेड़ा आमलियाला को गिरफ्तार किया है। एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही 100 दिवसीय कार्य योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए डीएसटी को संगठित अपराधियों व गिरोह की चिन्हीकरण तस्करी की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ के निर्देश दिए गए हैं। निगरानी के दौरान डीएसटी को सूचना मिली थी कि फरौदी की तरफ से आए एक ट्रक कंटेनर में पंजाब से तस्करी कर शराब लाई गई है। थाना गुड़ामलानी इलाके के गांव बरसाना में नदी के पास कंटेनर से पिकअप में लोड कर गुजरात में सप्लाई की जाएगी। सूचना पर थाना पुलिस को सूचना देकर दोनों टीमों द्वारा दबिश दी गई। मौके पर एक कंटेनर खड़ा मिला जिसके पास 2 पिकअप गाड़ियां भी खड़ी थी। कंटेनर से शराब खाली कर पिकअप गाड़ी में लोड कर किया जा रहा था। पुलिस की गाड़ी देखकर शराब लोड कर रहे एक पिकअप चालक पिकअप लेकर फरार हो गया, जबकि ओम प्रकाश बिश्नोई को टीम ने दबोच लिया। मौके पर खड़े ट्रक कंटेनर व बिना नंबरी पिकअप को जब्त किया गया है। ट्रक कंटेनर की तलाशी में डिटर्जेंट पाउडर के केमिकल के बैगों के पीछे पंजाब निर्मित अवैध शराब के 96 कार्टून रॉयल स्टेग व रॉयल चैलेंज विस्की व 365 कार्टन मैकडोवल नंबर 1 विस्की कुल 557 कार्टन छुपा कर रखे गए थे। अवैध शराब व दोनों वाहन जब्त कर आबकारी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया कर आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी से शराब की खरीद फरोख्त के बारे में अग्रिम अनुसंधान व विस्तृत पूछताछ की जा रही है।